बाद यहाँ से होते हुए ये देख लो इतना जमघट, दोनों साइड से गाड़ियाँ फंसी हुई है यार, आदमी क्या करेगा। यहाँ से लेकर कोक्सर नीचे है 4-5 किलोमीटर, बट 3-4 किलोमीटर तक इतना लंबा ट्रैफिक ही है यार यहाँ पे। भाई अभी टनल से जा रहे थे, शायद यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है शायद, तब करके गाड़ियाँ रुक गई है। ओ नो, खत्म स्टोरी। कुछ लोग दोस्तों यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ लोग आगे जाके, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं ज़्यादा बर्फ़ में, ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा एंजॉय करने को मिल जाए। वो सामने रोहतांग पास टॉप है, यहाँ से ज़्यादा नहीं 10-12 किलोमीटर ऊपर ही रोहतांग पास है, तो यहाँ से आगे बंद किया हुआ है, ये लास्ट टॉप है ग्रम्फू का। सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है दोस्तों, वही है अपनी मंजिल ग्रम्फू, वहीं पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ इस टाइम, बट अभी ट्रैफिक में लग रहे हैं, धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। यार ये जो आपको ग्लेशियर दिख रहा है ना, ये इस साल का सबसे बड़ा ग्लेशियर आया था, इसने पूरा रोड को ही बंद कर दिया था, बट फिलहाल रोड खोल दिया है। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त सनी, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज 23 मई है एंड मंगलवार है, आज मैं जा रहा हूँ ग्रम्फू। ग्रम्फू जो जगह है वो कोक्सर से 4-5 किलोमीटर ऊपर जाके है, मैंने आपको बता दिया था। एंड रोहतांग पास की बात करूं तो दोस्तों 2 या 4 3-4 दिन में रोहतांग पास ओपन हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट मशीनें जो है रोहतांग पास पहुंच गई है, थोड़ा बहुत रोड क्लियर करने को रहा है रोहतांग पास में जो बर्फ़ है, तो जैसे ही वो ओपन हो जाएगा वैसे ही मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल सारी गाड़ियाँ जा रही है मढ़ी तक, मढ़ी जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर आपकी अपनी गाड़ी है या फिर यहाँ की मनाली की गाड़ी है, तो दोनों ही बेस पे आपको परमिशन चाहिए मढ़ी जाने के लिए। तो काफ़ी गाड़ियां मढ़ी भी जा रही है एंड काफ़ी गाड़ियां कोक्सर और ग्रम्फू भी जा रही है, बट काफ़ी क्राउड इस टाइम ग्रम्फू में है, क्योंकि वहां पे बिना परमिट के आप जा सकते हैं। सुबह के दोस्तों 9:30 हो गए हैं एंड हम लोग अभी रुक गए हैं यहाँ पर, काफ़ी लंबा जाम लग रहा है। ये डेली का ही काम है, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन से हो रहा है, कंटिन्यू 1 हफ्ता 10 दिन से ये लंबा जाम चल रहा है, क्योंकि सारी गाड़ी स्नो पॉइंट जा रही है, तो यही रोड जाता है रोहतांग पास को भी, अटल टनल को भी एंड सिसु ग्रम्फू कोक्सर को भी। तो फिलहाल अभी हम लोग जाएंगे आगे अटल टनल क्रॉस करके डायरेक्ट स्नो पॉइंट जाएंगे, क्योंकि जाम लग रहा है तो हम लोग लेट भी हो गए हैं। तो आज का पूरा अपडेट मैं आपको ग्रम्फू का दिखाऊँगा, वहाँ पर कितनी ज़्यादा बर्फ़ है एंड क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। दोस्तों अभी पहुंच गए हैं हम लोग अटल टनल से पहले, ये वाला व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। मौसम आज साफ है, आज आगे भी मौसम साफ रहा तो आपको अच्छे अच्छे व्यू मिल जाएंगे स्नो पॉइंट में देखने को। भाई अभी टनल से जा रहे थे, शायद यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है शायद, तब करके गाड़ियाँ रुक गई है। ओह नो, खत्म स्टोरी। डिवाइडर के ऊपर से गाड़ी निकालनी पड़ेगी, बस गैप रखना पड़ेगा अटल टनल के अंदर यार, जबकि स्पीड लिमिट फिक्स की हुई है सबके लिए, बट गाड़ियां लोग मैक्सिमम ओवर स्पीड चलाते हैं। अभी दोस्तों हम लोग अटल टनल क्रॉस कर रहे हैं, हम लोग पहुंच गए हैं लाहौल की साइड में, एंड जैसे ही लाहौल की साइड में आते हैं तो यहाँ का व्यू एंड वेदर आपको दोनों अलग ही मिलेगा। मनाली की साइड में काफ़ी धूप है एंड इस साइड थोड़ा सा क्लाउडी है, कम धूप है यहाँ पे, बट ठीक है, यहाँ पे हवा काफ़ी ठंडी चलती है। एंड ये है ब्रिज, यहाँ से लेफ्ट साइड में रोड जाता है सिसु के लिए एंड राइट साइड में रोड जाता है ग्रम्फू, तो हम लोग राइट साइड लेंगे। ये जगह है दोस्तों कोक्सर, एंड लास्ट टाइम आपको मैंने दिखाया था कोक्सर में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी, तो अब वो बर्फ़ ख़त्म हो गई है, तो सारा स्नो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट हो गया है ग्रम्फू। ग्रम्फू यहाँ से 4-5 किलोमीटर ऊपर है, हाइट काफ़ी ऊपर है, तो बर्फ़ भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ही खुला है। दोस्तों सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है वाइट बॉर्डर, वहाँ पे है ग्रम्फू चेक पोस्ट, पुलिस पे भी वहीं पर है, तो अभी हम लोगों को 2-2.5 किलोमीटर और अभी ट्रैफिक में धीरे धीरे गाड़ी खिसक रही है। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं ग्रम्फू में, जहाँ पे स्नो पॉइंट है इस वक्त। ट्रैफिक की बात करूँ तो दोस्तों इतना ट्रैफिक लग गया ना, 1-1.5 घंटा हम लोगों को ट्रैफिक में हो गया, बट फिर भी हम लोग लास्ट बैरियर तक पहुंच गए पुलिस वालों के पास, जहाँ पे लास्ट बैरियर है, वहाँ से आगे थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा आपको एक्टिविटी करने के लिए। यहाँ पे पुलिस वालों का बैरियर है ना, तो ये लास्ट स्टॉप है, यहाँ पे भी एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे भले ही थोड़ी सी कम बर्फ़ है,
बट यहाँ से थोड़ा सा अगर आप 500 मीटर आगे जाएंगे दोस्तों ना, इसी रोड से वो सामने है, बस वहीं पे काफ़ी बड़ा ग्राउंड है बर्फ़ का, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके आपको ज़्यादा बर्फ़ भी मिल जाएगी। एंड रोड यार इतना तंग रोड है ना, इतना कंजस्टेड है, दोनों साइड गाड़ियाँ लगी है। अगर अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो तब तो भाई अपनी गाड़ी लेके मत आओ, क्योंकि आप ट्रैफिक में ही परेशान हो जाओगे, घूमने तो दूर की बात हो जाएगी। क्योंकि अगर अगर यहाँ की गाड़ी करेंगे आप तो उसमें आपको उतार देगा जगह पे, वहाँ से आगे आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ गाड़ी लगेगी आपको छोड़ने के बाद यहाँ से होते हुए। ये देख लो इतना जमघट, दोनों साइड से गाड़ियाँ फंसी हुई है यार, आदमी क्या करेगा। यहाँ से लेकर कोक्सर नीचे है 4-5 किलोमीटर, बट 3-4 किलोमीटर तक इतना लंबा ट्रैफिक ही है यार यहाँ पे। वो सामने रोहतांग पास टॉप है, यहाँ से ज़्यादा नहीं 10-12 किलोमीटर ऊपर ही रोहतांग पास है, तो यहाँ से आगे बंद किया हुआ है, ये लास्ट स्टॉप है ग्रम्फू का। रोहतांग अभी खुला नहीं है, मैंने आपको बता दिया था 2-4 दिन में खुल जाएगा, तो जैसे ही खुल जाएगा वहाँ का भी मैं आपको अपडेट दे दूँगा। कुछ लोग दोस्तों यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ लोग आगे जाके, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएँ ज़्यादा बर्फ़ में, ताकि आपको वहाँ पर ज़्यादा इन्जॉय करने को मिल जाए। यार अभी ना शाम हो गई है, हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, मतलब क्या बताएं, मतलब गाड़ी के बाहर बैठना भी बहुत मुश्किल है, तो ट्रैफिक तो सुबह से लेकर वैसा ही था। देखो दोस्तों अभी सब लोग वापस जा रहे हैं, फिर भी वैसा ही है दोनों साइड। सबसे मेन चक्कर ये है कि यार आपको टाइम से अगर निकलेंगे ना होटल से, तो आपको ईजिली घूमने फिरने को भी मिल जाएगा, ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ ये लोग देखो सुबह से चले होंगे, अभी तक मेन पॉइंट पर भी नहीं पहुँचे, ट्रैफिक में लगे हुए हैं, बाकी तो निकल रहे हैं इस वाले साइड के। बढ़िया भाई, ठीक है, ठीक है, अपने भाई है। गाइस मौसम जो है ना एकदम से चेंज हो गया है, बारिश हो रही है कंटिन्यू, हल्की हल्की हो रही है, बस बीच बीच में ज़्यादा भी हो रही है, तो तीन दिन अगेन आगे को मौसम ख़राब बताया हुआ है, तो आगे को कुछ नहीं बोल सकते। रोहतांग पास खुलेगा तो वो भी मैं आपको बता दूँगा, एंड लेह लद्दाख भी खुल जाएगा रोड, तो वो भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। फिलहाल अपने वाले भाई लोग सब आ गए हैं, शाम का टाइम हो गया दोस्तों, एंड हम लोग पहुंच गए हैं अटल टनल के पास। यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं फोटो खींचने के लिए, बट यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पुलिस वाले गाड़ी एक ब्रिज के पास ही लगा देते हैं, वहाँ से आपको पैदल आना पड़ेगा अटल टनल के पास, तो ही आप यहाँ पे फोटो खींच सकते हैं। अभी दोस्तों हम लोग वापस आ गए थे मनाली की साइड में अटल टनल के पास, एंड यहाँ पे देखा तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। सुबह देखा तो यहाँ पे बिल्कुल साफ था मौसम दोस्तों, एंड शाम को वापस आए तो पूरा बारिश ही बारिश हो रही है, मौसम एकदम से चेंज हो गया यार। दोस्तों अभी हम पहुँचने वाले हैं सोलांग वैली में, एंड उसके बाद जाएंगे सीधा होटल। सोलांग वैली में नहीं रुकेंगे क्योंकि अंधेरा होने वाला है, 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। एंड कैसा लगा दोस्तों आपको मेरा आज का ब्लॉग, आप कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल पे नए हो तो, ताकि आगे भी आपको अपडेट मिलता रहेगा मेरे ब्लॉग पे। एंड कोई भी डाउट हो अगर आपके मन में ट्रैवल के रिगार्डिंग, तो आप कभी भी मुझे फ़ोन करके या पूछ सकते हैं, या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों शाम हो गई है, शाम के 5 बज गए हैं, एंड ये जो ट्रैफिक है पूरा यहाँ से लेकर मनाली तक पहुँच गया है, और गूगल में भी मैंने तो सर्च किया था, पूरा रेड लाइन दिखा रहा है, यहाँ से मनाली 5 किलोमीटर है, वो सामने नेहरू कुंड का ब्रिज है, ये देखो गाड़ियाँ, क्या सिस्टम है यार, समझ से बाहर है, पता नहीं कितना ज़्यादा ट्रैफिक है।